हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन लज़ानिया। ये इटालियन डिश है, तो उसके लिए 10-15 मैंने लिए हैं ये लहसुन और 2 प्याज लिए, इनको कट कर लिया है। मैंने लहसुन को भी डाल लिया है और मैं प्याज को भी फ्राई कर रही हूँ। तो ये मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। मैंने आपको बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो नहीं पाया है, क्योंकि जितना रिकॉर्ड हो पाया है, ये मेरा 1.5 किलो है कीमा, चिकन का कीमा है। ये फ्रिज से निकाला था मैंने और इसको बाहर रखा हुआ था। अब अच्छे से चिकन को मैंने भून लिया है। चिकन मेरा अच्छे से भुनने लगा है, देखिए कलर चेंज हो गया है चिकन का। आप मटन भी बना सकते हो, चिकन में इजी से बन जाता है। और ये मैंने 3 टमाटर लिए थे, अब टमाटरों को इसमें डाल रही हूँ। टमाटर में डाल के भी खूब अच्छे से इसको भूनती हूँ टमाटर के सॉफ्ट हो जाने तक। और मैंने इसमें कुछ हर्ब्स भी डाले हैं, तो ये मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है, नमक डाला है। अब इधर हम पानी बॉयल होने रख रहे हैं, इसमें पानी में मैंने डाला है 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा डाल रहे हैं जैतून का ऑयल। इसको पानी से अच्छे से बॉयल कर लेंगे हम। लज़ानिया सीट की, हमारी लज़ानिया सीट है तो सीट के साथ बना रहे हैं हम। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा ऑयल, और जब बॉयल आने लगेगा तो हम इसमें सारी लज़ानिया सीटों को हमने डाल दिया है। इधर हम बना रहे हैं इसका सॉस बना रहे हैं, तो हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने 4 से 6 चम्मच भर के डाला है बटर। अब बटर को हम थोड़ा सा मेल्ट होने तक इसको मेल्ट करते हैं, और अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसमें हम मैदा ले रहे हैं। आप उसकी जगह कोई भी, आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये हम पहले अच्छे से इसको मेल्ट हो जाने देंगे। ये 4 से 6 चम्मच है मैदा। अब मैदा को हम अच्छे से भून लेते हैं। जब तक भूनते हैं, जब तक एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और एक अच्छा सा कलर ना आ जाए, कच्चापन ना रहे। कच्चापन जो रहता है उसमें टेस्ट भी नहीं आता, फिर एक मतलब पेट में भी नुकसान हो सकता है कच्ची मैदा खाने से। तो हम मैदा को बॉईल कर रहे हैं अच्छे से, इसमें फ्राई कर रहे हैं अच्छे से पका रहे हैं, और एक हमें खुशबू आने लगे तब तक इसको अच्छे से खूब भूनना है। लगातार इसको चलाते जाना है और हल्की गैस पर इसको भूनना, ताकि ये जल ना जाए। कि जले की खुशबू तो किसी भी खाने को ख़राब कर देती है, तो आपको इसको तेज़ गैस पे नहीं भूनना है। और इसमें हम डाल रहे हैं 3 गिलास दूध भर के। तो ये हम इसमें जो हमारे घर दूध यूज़ हुआ, जो आपके घर में दूध यूज़ होता है वही डालें आप। मेरे घर में जो था फुल क्रीम दूध था ही मेरे पास, तो मैंने 3 मग भर के इसमें 3 गिलास भर के दूध डाला है इसमें। तो बस पहले एक गिलास डाला है, और अच्छे से अब हमने गैस को बंद कर दिया है, ताकि लम्स जो है बहुत टाइट हो जाएंगे। गैस चलती पे हमने दूध डालते रहे, तो आप विस्कर की मदद से किसी भी तरीके से आप जो लम्स इसके पड़े हैं, आप थोड़े थोड़े करके इसको लम्स ख़त्म करते जाइएगा और दूध डालते जाइएगा। तो बस हमारा, आप देखिए, दूसरा गिलास भी पड़ गया है, और हमारे बस हम ऐसे कर करके और हम 3 गिलास अपना दूध डाल देंगे, और हमारा ये अच्छे से इसके जब तक लम्स ख़त्म नहीं होते हैं इसको चलाते जाना है। और गैस को ऑन करना है सबसे लास्ट में, तो गैस ऑन करेंगे। और इधर हमारा, इसमें हमने हर्ब्स भी डाल दिया है, जितने भी हर्ब्स डालने थे सारे हर्ब्स भी हमारे पड़ गए हैं इसमें अच्छे से, और अच्छे से हमारा सॉस बन गया है। और इधर देखिए हमारा चिकन भी तैयार हो गया है, और ये चिकन में हमने एक और हर्ब्स आता है वो डाला है, और इधर हमारा तैयार हो गया। तो इसमें हम नीचे सीट लगा रहे हैं, देखिए हमारा बिल्कुल सब कुछ तैयार है। और इसमें लगा के नीचे पहले लगाया है एक लेयर, उसकी लगाई है जो हमने सॉस बनाई है, अब एक लेयर लगा रहे हैं हम चिकन की लेयर लगाए दे रहे हैं इसमें। आप अपनी मर्जी से मोटी पतली जैसी चाहो आप चिकन की लेयर लगा दें। चिकन की लेयर लगा दी है, देखिए बहुत अच्छे से हमारी लेयर लग गई हैं। को अच्छे से दबा दबा के अच्छे से लेयर लगाइएगा, ताकि ये अच्छे से हमारा एक पीस जो बनेगा वो अच्छे से इसको प्रेस करके लगाना है। अब लगा रहे हैं लज़ानिया सीट। तो ये हमने बॉयल कर ली थी, और बॉयल करके फिर इनको ठंडा कर लिया था, हमने ठंडा पानी डाल दिया था इनको। अब लज़ानिया सीट लगा रहे हैं इसके ऊपर। आप फोल्ड करके लगाएं, पूरी लगाएं, जैसे आप चाहें लगाएं। आज मेरी बेटी ने बनाई है ये डिश, मैंने कहा चलो आज मेरी बेटी ट्राई कर रही है डिश, तो बहुत ही शानदार डिश बनी थी ये। बहुत मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत की थी इसमें। और फिर इसके ऊपर चिकन को प्रेस करके लगा देंगे अच्छे से।
देखिए, बस अच्छे से प्रेस कर करके, और आपकी शीट बड़ी है तो आप साइडों में शीट को एक ही साइड ले लीजिएगा ताकि फोल्ड करके अच्छे से वापस इसी के ऊपर फोल्ड हो सके। तो अच्छे से सीटों पे लगा दिया है हमने। अब इसके ऊपर डाल रहे हैं मोज़रेला। आप चैटर हो, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, इसके ऊपर मोज़रेला डाल रहे हैं। अब इसके ऊपर सॉस की लेयर लगाएंगे। अब ये डाल रहे हैं हम स्लाइस चीज लगा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा क्रीमी क्रीमी बहुत अच्छा इसी तरीके से बनता है। आप जितना ज़्यादा कहते हैं, जितना ज़्यादा आप लागत लगाओगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदारी आएगी, तो इसमें बहुत क्रीमी क्रीमी सा अच्छा लगता है ये। तो हमने चीज़ लगा दी है इसके ऊपर, दूसरी लेयर भी हमने चीज़ की लगाई है। और अब इसके ऊपर हम अपना जो हमने सॉस बनाई है पास्ता सॉस, वो डाल देंगे और अच्छे से पूरे को कवर कर देंगे, अच्छे से स्पैचुला की मदद से अच्छे से हमने पूरा इस पर कवर कर दिया है। देखिए पूरा अच्छे से सब सबको कवर कर देंगे। और फिर से हम दूसरी शीट भी इसके ऊपर लगा रहे हैं। देखिए हमने फिर से लज़ानिया शीट लगानी शुरू की है। आपके पास जितनी बड़ी डिश होगी उतने ही लंबे आएंगे हमारे, एक एक उसमें ये तीन तीन लेयर आई हैं, तीन पीस आए हमारे। अब उसके ऊपर फिर चिकन लगा रहे हैं, अच्छे से चिकन को फैला देंगे सारे लज़ानिया शीटों पे। ये शानदार डिश बनने वाली है कि आपके घर में बच्चे खुश हो जाएंगे। फिर से मोज़रेला हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। चीज तो आपको भर भर के डालेंगे ना, बच्चों को ये चीज सा ही बहुत पसंद आता, बच्चे बड़े सबको। अब फिर से हम इसमें फिर से स्लाइस चीज लगा रहे हैं। आपके पास अगर बड़ी आपके पास होगी डिश तो आपको बड़ी ज़्यादा बड़े बन सकता है, लेकिन मेरे पास ये डिश इतनी बड़ी थी मेरे पास। तो बस अब इसके ऊपर फिर से हम इसका लिक्विड का घोल डाल रहे हैं। पर ये वैसे टेस्ट में बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि हम पास्ता खाते हैं, लेकिन थोड़ा पास्ता से डिफरेंट टेस्ट होता है इसका। बस इसको फोल्ड कर ले रहे हैं और ऊपर से हम प्रेस में और हम डाल रहे हैं। 180 पे हमने इसको प्रीहीट किया हुआ था और 29 मिनट के लिए हमने इसको लगाया है और सर्व कर रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। मेरी बेटी की रेसिपी अगर पसंद आती है, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और रिकॉर्ड करना हम भूल गए हैं, इसको कट करना। अल्लाह।